अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है। आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन को तश्वीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर ने इसकी मौत की तस्दीक की है। तफसीलात के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जिसे घर के मुलाजिमीन काफ़ी देर से कटकटा रहे थे। मुलाजिम ने बताया कि आमिर लियाकत हुसैन की गुज़िश्ता रात तबीयत ख़राब हुई थी, इनके दिल में तकलीफ़ हो रही थी, इन्हें अस्पताल जाने का कहा गया था लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन को इनके घर के खुदादाद कॉलोनी से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर का कहना था कि आमिर लियाकत हुसैन को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। आमिर लियाकत हुसैन के ड्राइवर ने पुलिस को तबीयत ख़राब होने की वजह इतला दी, चूँकि उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन के ड्राइवर ने पुलिस को तबीयत ख़राब होने की इतला दी थी और बताया कि इनके कमरे से गुज़िश्ता रात रोज़ चीखने की आवाज़ें भी आ रही थी। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजह जानने के लिए इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद नियत को वरसा के हवाले की जाएगी। पीटीआई के साबिक रहनुमा एमएनए आमिर लियाकत हुसैन चूँकि मुनहरिफ पीटीआई रुकनों में शुमार होते थे, और दूसरी बात इसकी 3 शादियां हो चुकी थी जिसकी तीनों को तलाक दे चुके थे। अला आमिर लियाकत हुसैन की मगफरत फरमाएँ और इनके दर्जात के लिए दुआ गो रहेंगे। खुदा हाफिज़ दोस्तों।